तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी लेकिन मेरे लिए है। इतनी सवारी करती हूँ किस किस को जवाब दूँ। ये है तुम्हारी मोहब्बत का सिला। तुमने मुझे सारे जमाने की नजरों से गिरा दिया है। देखो उन लोगों के पास और भी प्रपोजल्स हैं। ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का आईटी इंजीनियर है, माशाल्लाह सुलझा हुआ और समझदार। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम आओगे। अरे कैसे नहीं आता, वादा किया था, आना तो था। थैंक यू। अब अकेले ही आए हो तुम? अभी मैं अभी तक सिंगल हूँ। ये मतलब नहीं था। सोफिया आंटी, नाजिश, उनका पूछ रहे हो। स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मैंने फोन करके उनसे। उन्होंने जरूर आना था लेकिन वो एक्चुअली बच्चों की बेटी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो उनको कनाडा जाना पड़ा। चलो मैं फोन करके उनसे खुद ही पूछ लूंगी। अब पलक इसे तो मिलो। वालेकुम सलाम। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। अब बाय द वे नवाल, ये नवाल है पलक की बड़ी बहन। और ये है हमजा, हमजा इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट की मालिक और यूएई में होने वाले हमारे नए वेंचर में बिजनेस पार्टनर भी। जी मैं जानता हूँ उनको, ये मेरे ऑफिस में काम करती हैं। बहुत टैलेंटेड। तुमने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अब जी जी शो शॉर्ट आ जाओ ना। हमजा प्लीज कम जॉइन। भाभी ये पिक्चर्स मुझे जरूर भेज दीजिए। श्योर। काफी अरसे बाद मुझे किसी शादी में आके अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मम्मी को देख के। श्योर। आप लोगों को कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, थैंक यू। शुक्रिया। अगर आप मुझसे भी पूछेंगी कि आप कुछ चाहिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूछने वाले बहुत है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पूछने ना पूछने से तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? तुम मेजबान हो, मैं मेहमान। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ चाहिए, तुम्हारा साथ। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी तुम्हें इस तरह देखने की। तुम कभी इस तरह बन सवर के तैयार नहीं हुई ना? ये आई थिंक यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में एक बार। कितने साल हो गए? हम सब बस कर दो, तुम्हें ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये दिखावा नहीं अनुवाद, मेरी मोहब्बत। हम सब प्लीज स्टॉप इट। पहले ऑफिस में सबको पता चल चुका, तुम क्या यहाँ भी सबको बताना चाहते हो? तुम मुझसे हमेशा इतनी बदगुमान क्यों रहती हो? इस बदगुमानी की वजह तुम अच्छे से जानते हैं। I
आज आराम से। चलो जी। एक सेकेंड रुको, नसरीन। आजो, बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम रखना घर में, ठीक है? ख्याल से। अल्लाह तुम्हारे कदम मुबारक करे। आमीन। अरे भी फोटोग्राफर किधर है यार? पिक्चर उतारो ना सबकी, फैमिली फोटोग्राफ, जल्दी से। भाई सबको बहुत बहुत मुबारक हो, स्पेशली मेरे भाई को। अल्लाह ताला तुम दोनों को शाद रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियां दे। खैर मुबारक भाई। और भाभी थैंक यू सो मच, मेरी जिंदगी को आम से खास बनाने में सबसे ज्यादा किरदार आपका है और इस घर को घर बनाने हैं भी। अब फलक को भी हम अपने घर में ले चलते हैं, चलो आओ। भाई आज मेरी बेगम ने अपना एक और फर्ज निभा दिया, इस फैमिली को मुकम्मल कर दिया। सो आलिया थैंक्स, थैंक यू सो मच। ये क्या बात हुई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे कबीर को उसकी सारी खुशियाँ मिल गई। आज अंकल आंटी होते ना तो बहुत खुश होते इस मौके पर। और आलिया तुमने सबको दिखाया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि एहसास के रिश्ते ज़्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। ये घर है मेरा, यहाँ हम सबके दुख सुख खुशियाँ सब सांझी हैं। अल्लाह जब मैं विदा होकर इस घर में आई थी ना तो मामा ने अपनी कलाई से उतार कर एक कंगन मुझे पहनाया था और आज मैं ये तुम्हें पहनाऊंगी। थैंक यू भाभी, हमेशा खुश रहो, अल्लाह ताला तुम दोनों को जिंदगी की सारी खुशियाँ दे। और कबीर इतनी प्यारी दुल्हन आ गई है तुम्हारी, बस भाभी को भूल मत जाना। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? तुमने तंग कर रही है। अब इस तरह आप लोग बातें ही करते रहेंगे या दुल्हन का मुंह भी मीठा करवाएंगे? फॉग नसरीन जाओ जाके लेके आओ मीठा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी तुम इस तरह देखने की, तुम कभी इस तरह बन सवर के तैयार नहीं हुई।
दिया। अफसर बेटी आपने क्या कर दिया? मेरे शगुन का जोड़ा तो खराब हो गया कबीर। फलक आई एम सो सॉरी, जान के नहीं कि अब बच्ची है, गलती होगी, तुम परेशान मत हो। नसीम जाओ जाके कुछ सफाई करने के लिए क्या हो। जल्दी तो भाभी जो होना था वो। अरे एक मिनट साफ। देखो मुझे अंदाजा है तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। तुम्हारे शगुन का जोड़ा है, हर लड़की के दिल में हमें शगुन के जोड़े के लिए एहसासात होते हैं, मैं जानती हूँ। इट्स ओके फलक, कोई बात नहीं, गिर गया, गलती से हो गया। बेटा आपके सारे कजन्स आए, मैं आप जाके उनके साथ खेलूं। आप यहाँ बड़ों में क्या कर रही हो? आई डोंट वांट टू गो, मुझे मामा के साथ जाना। आप सब बेटे मान लेते ना कभी बात, कभी मुझे रूम में ले चले आप। अच्छा चलो ठीक है आओ, आप सब बेटे जगह दो, जाओ जाओ कबीर है। क्या हो गया फनक, अभी तक तुम्हारा मूड ऑफ है? आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है, ऐसे याद रखेंगे। आपने देखा नहीं क्या हो? आपके सामने ही तो हुआ सब कुछ, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पहली बार देखा कि किसी दुल्हन का इस्तकबाल ऐसे भी होता है। देखो फनक, जो कुछ भी हुआ किसी को भी नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। और हफ्सा छोटी बच्ची है, और तुम्हारे कपड़ों पे खीर उसने जानबूझकर तो नहीं गिराई। कबीर आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मेरे एहसासात क्या हैं। जो होना था हो गया फलक, चेहरा अपना। शादी की पहली रात भी कोई इस तरह से मूव्ड ऑफ करता है। धनी कबीर मैंने क्या क्या सोचा था, अभी तो उस जोड़े में आपने मुझे आंख भर कर नहीं देखा था, मेरी तारीफ नहीं की थी। पलक मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। इधर देखो, इस जोड़े में भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? झूठ बोल रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, पलक खुद को मेरी नजर से देखो। पलक तुम्हें खूबसूरत लगने के लिए एक्सपेंसिव और हैवी ड्रेसेस की जरूरत नहीं है। आई मीन इट। आज शादी की पहली रात है और इतने खूबसूरत लम्हा तुम सिर्फ एक ड्रेस के खराब होने की वजह से मूड ऑफ करके जाया कर दो। पलक, रिश्ते, एहसासात, ताल्लुक और मोहब्बत, इन सब की अहमियत चीज़ों से कहीं बढ़कर है। फलक प्लीज, आज के बाद मैं तुम्हें इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोता हुआ ना देख। मेरा भी दिल था कि मैं कमरे में आता, तुम वेडिंग ड्रेस में होती मेरे सामने, मैं तुम्हारी तारीफ करता। लेकिन यकीन मानो, तुम्हें पाकर मैं इतना खुश हूं कि मैं इन सारी चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। आई एम सो सॉरी कबीर, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आप ठीक कह रहे हैं। इट्स ओके। अच्छा आप मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात, मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ हमेशा। ये तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी खूबसूरती के सामने इसकी खूबसूरती कुछ भी नहीं, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आए। ये कितना खूबसूरत है कबीर। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत, ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच।
हफ्सा की एक छोटी सी गलती की वजह से मेहमानों के सामने इतना बड़ा तमाशा लग गया। कोई बात नहीं, बच्चे हो जाता है। हफ्सा की गलती है आलिया, वो बड़ी हो रही है, उसे ना इन छोटी छोटी बातों की समझ होनी चाहिए अब। इट्स हाई टाइम। समझाया ही मैंने उसे। मैं तो फलक के बारे में सोच रहा था। पहला दिन है उसका इस घर में, पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। इतना बड़ा मेस क्रिएट हो गया। फलक सुलझी हुई और समझदार लड़की है, मैं कल खुद भी उससे अपोलोजाइज कर लूं। चलो ठीक है, खैर नहीं और तुम भी थक गई होगी, चलो चल के रेस्ट करें, आ जाओ। हाँ भाई, सब तैयारी हो गई? बाजार से तो कुछ नहीं मंगवाया ना? कुछ नहीं मंगवाया, सब घर पे बना है। बहुत अच्छा किया। अब ये सारा सामान एहतियात से गाड़ी में रखवा लो, कहीं कुछ रहना चाहे। अम्मी मैं कर लूँगी, मैं रखवा लूँगी, आप फिक्र मत करें। सारा सामान खैरियत से पहुँच जाए ना वहाँ पर। वैसे सफदर और फरिया भी साथ चले जाते तो अच्छा हो जाता। अम्मी एक तो वो रात को इतनी देर से गए हैं, दूसरा आप जानती हैं मुमानी की आदत को। आपने फ़ोन कर दिया ना, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, वो एतराज़ नहीं कर सकती। और अच्छा उन्होंने खुद मना कर दिया, मैं खुद नहीं चाह रही थी कि वो वहाँ जाएँ। वहाँ जाके कोई ऐसी वैसी बात कर देती तो, वो फलक का ससुराल है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अल्लाह जो करता है बेहतरी होती है उसमें। अब आपकी तबीयत ठीक होती और आप साथ में जा रही होती तो और बात। चलो भी सामान उठाओ, जल्दी से देर हो जाएगी। आलिया को मेरी तरफ से माजरत करना और फलक को बहुत प्यार देना, कहना मैं आऊँगी मिलने के लिए उससे। डन, चलो गाड़ी में रखते हैं चीज़ें। ध्यान से, तेल लग जाएगा। नहीं, सही पैकिंग थी। आपका शुक्र। इंसान इतनी जल्दी अपने रंग ढंग बदल सकता है, चाल ढाल अंदाज सब कुछ बदला हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम आकर देखें जरा, मुझे नौकर की बेटी कहते थे, नौकर की बेटी इतने बड़े घर की मालकिन बन गई है। ना मजा आएगा जब इनका चेहरा देखूंगी, इन्हें रश्क आएगा। अब हर किसी की किस्मत मेरे जैसी तो नहीं होती ना। सलाम दीदी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये किसके लिए लेकर जा रही हो? आपके और कबीर साहब के लिए। लाओ मुझे तो, मैं ले जाती। मैं छोड़ आती हूँ बीबी जी। मैं कौन हूँ इस घर की? आप मालकिन हैं। तो फिर जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगी तुम। लाओ दो मुझे। ये तो मुझे उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है जो आपने मुझे मुंह दिखाई पड़ दिया था। अरे कबीर, कहाँ जा रहे हैं आप? जिम जा रहा हूँ। तो ये ले चाय, अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। अरे वाह, ये चाय तुमने बनाई है? I mean, फलक आज शादी का पहला दिन और तुमने काम करने भी शुरू कर दिया। हाँ तो क्या हो गया, मेरा ही घर है। और वैसे भी कबीर, मैंने डिसाइड कर लिया आज से आपके सारे काम मैं अपने हाथों से खुद किया करूँगा। ये मेरी खुशनसीबी है, लेकिन घर के काम करने के लिए नौकर है, इसीलिए छोड़ा सा। घर के किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे काम कर लेंगे, इनफैक्ट तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। you know, मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त तैयार होके बस मेरे सामने रहा करो।
हो गई बातें, आप चाय पीकर बताएं कि कैसी बनी है। अरे अच्छी बनी होगी, तुमने बनाई है तो बुरी कैसे हो सकती। गुड। थैंक यू। झूठी तारीफ तो नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। और जिम से पहले ये चाय। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खैरियत से पहुंच गए आप लोग? हाँ पहुंच गई है खैरियत से। नवीन की तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से, अल्लाह का शुक्र है, खतरे से बाहर है। तुम भी साथ आ जाते हमजा। आपको तो पता है बच्चों, काम की मसरूफियत इतनी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ दिन फ्री मिले तो मैं नवीन को जरूर विजिट करूँगा। और आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। मामा किधर है, जरा मेरे उनसे बात तो कराएं। मामा हॉस्पिटल में है नवीन के पास, मैं भी बस अभी आई हूँ घर, कुछ सामान पिक करना था। चले ठीक है, मैं उन्हें खुद ही कॉल कर लेता। हाँ कर लेना। ओके तो बाय। गुड मॉर्निंग नवीन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? देखिए मुझे बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, अपनी नजर उतार लेना। अब कबीर किधर है? वो तो जम गए हैं। मामा नहीं आई आपके साथ? नहीं, उनकी तबीयत खराब थी तो मैंने उनसे कहा था कि वो आराम कर ले, मैं नाश्ता ले जाती हूँ। पलक सेट कितना प्यारा है, किसने दिया? कबीर ने दिया है मुंह दिखाई में। बहुत खूबसूरत है, डायमंड्स का है? डायमंड का है और बहुत एक्सपेंसिव है। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकेंगे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो माशाल्लाह से, तुम्हें बहुत प्यार करने वाले मेरे। हाँ ये तो है, भला मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? ये देखें, आप लोगों को नीचे नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं। अरे ये इतने सारे गिफ्ट्स, अभी तक तो खोल कर भी नहीं देखे। बोले देखे क्या है इसमें? तुम्हें मिले हैं ना गिफ्ट्स, खोल कर देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ। ये क्या बात हुई, से वाला देखते हैं। हेल्प मी ना। अरे तुम खोलो ना, मैं देख रहा हूँ। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारी पिक्चर्स लेता हूँ। डायमंड, ये मुझे लग रहा है हमजा ने दिया था। I'm sure. How's it? I think it's very expensive, nahi? Yeah, it's expensive. ये तो मुझे उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है जो आपने मुझे मुंह दिखाई पर दिया था। अच्छा सीरियस क्यों हो गए, मजाक कर रही थी। हमजा में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। हमजा आसमान है और मैंने तो अभी उड़ना सीखा है, पर फैलाना शुरू किया है, अपने बिजनेस को फैलाना शुरू किया है। और हमजा, उसका बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी।
रियल इस्टेट्स, फार्मेसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और अब हमारे साथ फूड बिजनेस में भी वो पार्टनर। तुम्हें बताया था ना कि दुबई में जो कबीर फूड्स कंपनी स्टार्ट हो रही है, हमजा उसमें भी पार्टनर है। खैर छोड़ो, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये बताएं हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हनीमून पे भी जाना है? मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। ओके, तो तुम मुझे बताओ कि कहाँ जाना चाहती हो, व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस? मुझे ना यूरोप जाना है, मैं पूरा यूरोप घूमना चाहती हूँ आपके साथ। इट्स अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, तुम एक दो दिन में मुझे अपना पासपोर्ट दे दो, मैं हम दोनों का वीजा अप्लाई कर देता हूँ। रियली? या, मेरी बीवी ने फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगा है, इनकार थोड़ी कर सकता हूँ। कुछ दिन में हम यूरोप में होंगे, फॉर श्योर। मैं के पासपोर्ट तो घर पर है। अच्छा, मैं जाकर ले आऊंगी। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। कबीर, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। तुम पता है, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करो, तुम्हें मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा। बाकी गिफ्ट तो खोलो। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है, जैसे आप अपनी खुशी से लेकर आई थी वैसे हम भी अपनी खुशी से ले आए। नवाल बेटी कैसी? बिल्कुल ठीक है। ले आती, इसी बहाने मुलाकात हो जाती। मैं जरूर साथ लाती लेकिन वो मसरूफ थी। अस्जद नजर नहीं आ रहे? अब बस आने वाला हो गया सर, थोड़ी देर के लिए गया। अब नौशीन आपा, मैंने इसीलिए आपको आने से पहले फोन कर दिया था ताकि अस्जद घर पर रहे, फिर भी चला गया। दरअसल अस्जद जॉब के साथ साथ अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप में रियल इस्टेट कंपनी भी चला रहा है, तो कोई डील थी, क्लाइंट से मिलना था। बस कहता था आधे घंटे में आ जाऊंगा, बस आने ही वाला होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्जद, ये क्या बात हुई, हम तुम्हें मिलने आए और तुम खुद ही घर से गायब हो। दरअसल मैंने लास्ट मंथ ही अपने दोस्त के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया है। एक क्लाइंट का मैसेज आ गया था तो बस उसी से मिलने बाहर गया था। मैं आप लोगों का वेट कर रहा था बट कॉल आ गई तो सोचा इम्पोर्टेंट डील है तो ले लेनी चाहिए। डील हुई या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, डील हो गई है। शुक्र है। माशाल्लाह से उसने दो डील्स और मुझसे फाइनलाइज कर ली है। अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने कुछ सर्व नहीं किया। निजा, अगर तुम्हारा रियल इस्टेट का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कभी जॉब करनी है क्या सुनील सर? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर ये बिजनेस सेट हो गया तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, बल्कि उसके साथ मैं आई टी का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। आपको तो पता है आने वाला दौर आईटी का ही है, और पाकिस्तान में भी आजकल आईटी में कितनी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। माशाल्लाह अस्जद बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। बस आंटी, आपकी दुआएं चाहिए, अल्लाह बरकत डाले। आमीन। इंशाल्लाह मेहनत का फल जरूर मिलेगा तुम्हें। वैसे घर भी आपका बहुत अच्छा है, क्यों सुल्ताना? घर तो लोगों से होता है और आबाद भी उन्हीं से होता है। आपको छोटा बेटा नजर नहीं आ रहा? बस वो दोस्तों के साथ बाहर गए हुए। अच्छा अच्छा, आप देखिए, हम जब आए थे हमने कोई तकल्लुफ नहीं किया था, तो आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? प्लीज। नहीं, तकल्लुफ की तो ऐसी बात नहीं। दो बेटा, सर्व करो। जब से आई हो तब से कुछ तलाश कर रही हूँ। वो मैं हनीमून पर जा रही हूँ ना, पता है, एक महीने के लिए। भला कहाँ? यूरोप। इसीलिए पासपोर्ट ढूंढ रही हूँ, यही रखा था। चलो माशाल्लाह, मिल नहीं रहा, कहीं आपने तो मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली। बलक, मैं तुम्हारे कमरे की तलाशी क्यों लूंगी? मजाक कर रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही है? शुक्र है मिल गया, इसी के लिए आई थी। चलो अम्मी से मिलकर जाना, थोड़ी देर में आ जाएं। कबीर कह रहे थे कि वापसी पर मुझे पिक कर लेंगे, आज ही वीजा स्टैम्प के लिए भेजना, वो कह रहे थे बहुत दिन लग जाते हैं। कनक थोड़ी देर बैठ जाओ, अम्मी खुश हो जाएंगी तुमसे मिलके। कल भी कह रही थी उनका बहुत दिल है तुमसे मिलने का। हाँ तो कुछ दिन में आ जाऊंगी ना, ये उनसे फोन पे बात कर लूंगी।
हेलो हेलो कबीर, हाँ मैं फ्री हो गई हूँ, पासपोर्ट मिल गया, अब आ जाए मुझे पिक करने। अच्छा ठीक है, बस मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके फलक, रुक जाओ थोड़ी देर, चाय बन रही है तुम्हारे लिए। तुम तो हवा के घोड़े पे सवार हो, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं माँ, मुझे क्या होना है? मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम बदल गई हो इन दिनों। नहीं मैं क्यों बदलूंगी, मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ, कुछ भी तो नहीं बदला। अम्मी आपने आते हुए इतनी देर कर दी, फलक आए हुए थे। हाँ कहाँ है, चली गई क्या? जी तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना। मैंने उसे कहा कि रुक जाए, लेकिन जल्दी में थी, वो कह रही थी कि 1-2 दिन में चक्कर लगाएगी। अपना पासपोर्ट उठाने आई थी, हनीमून के लिए यूरोप जा रही है। माशाल्लाह तुम दोनों बहनों के नसीब बहुत ही अच्छे हैं। पलक की तरह तुम्हें भी बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। तुम्हें पता है मुझे और सफदर दोनों को अज़ियत के घर वाले बहुत ही पसंद आए, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। उनका अपना रियल स्टेट का बिजनेस भी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, सोच रही थी हाँ कर दो, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, पहले तुमसे पूछूंगी। अम्मी आपको जो मुनासिब लगे आप वो करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे बेटा, जिस तरह के वो लोग हैं मुझे अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि तुम भी बहुत खुश रहोगे इंशाल्लाह। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं अभी नहीं, बहुत थक गई हूँ, मैं रेस्ट करूँगी, बाद में चाय पीऊँगी। हेलो नहीं नहीं नहीं, मैं रिजाइन कर चुकी हूँ, मैं फिर से ज्वाइन नहीं करूँगी। आप क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा मुझे बस सोचने के लिए कुछ वक्त है, मैं बताती हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? Gorgeous. Stunning. Beautiful. Oh my God. कैसे हो? ठीक हूँ। आप क्या कहीं जा रहे हैं? हाँ मैं और आपकी चाची बाहर जा रहे हैं डिनर पे। मुझे भी जाना है आपके साथ। अच्छा आपको भी जाना है, ठीक है मम्मा से कहो कि आपको तैयार कर दे फिर चलते हैं। मम्मा तो घर पर है ही नहीं। मम्मा घर पर है ही नहीं, फिर लोग क्या करें। वैसे तो ये भी जो तुमने पहना है अच्छा लग रहा है, तो वैसे ही अच्छी लगती हो। थैंक यू। चलो फिर चलते हैं। ओके हफ्सा हमारे साथ जाएगी? हाँ ना हमारे साथ ही जाएगी, देख नहीं रही कितनी एक्साइटेड है। भाभी घर पर नहीं है और उसको कैसे से साथ ले जा सकते हैं, तंग करेगी, बच्ची है वो। इट्स ओके, मैं और हफ्सा अक्सर बाहर जाते हैं, कभी डिनर पे, कभी आइसक्रीम खाने, कभी घूमने फिरने, वो भी आलिया भाभी के बगैर। इट्स ओके मैं उसे संभाल लूंगा, वो तंग नहीं करेगी। अच्छा मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, डोंट बी लेट। मैंने अज़ियत की अम्मी को कॉल करके हाँ कह दी है, वो तो कह रही थी बस जल्द अज जल्द शादी करें। मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो एक बेटी की शादी की है, इतनी जल्दी दूसरी बेटी की शादी नहीं कर सकती। तो वो कहने लगी अगर शादी नहीं कर रही तो मंगनी ही कर दें। तो आपने क्या कहा? कहना क्या था, चाहती तो मैं भी यही हूँ, बाकायदा तौर पर रस्म अदा हो जाए। ठीक है तुम ऐसा करो, वो कब जा रही है हनीमून, फिर उसके जाने से पहले पहले ही हम तुम्हारी मंगनी की रस्म कर देंगे। ठीक है मैं पूछ कर बता दूंगी आपको। एक मेरी
आ जाओ चलें। लेट्स गो। कबीर अफसा से कहीं पीछे बैठ जाए। बट मैं तो यहाँ पीछे बैठती हूँ चाचू के साथ। एक काम करें मेरे घर बैठ जाओ। सो क्यूट। देखो इसने जगह भी बना दी तुम्हारे लिए। आओ बैठ जाओ। मुझे जाना ही नहीं है। पलक, पलक, पलक रुको। पलक, ये क्या बचपना है? ये कोई बचपना नहीं है कबीर। हम दोनों का प्लान था ना, कि अब हम अकेले साथ भी नहीं जा सकते थे। पलक, हमेशा हम दोनों ही जाते हैं। अफसा तो आज पहली बार हमारे साथ जा रही है। और इतनी छोटी सी बात को लेके इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? मुझे अफसा से कोई मसला नहीं है, मगर मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, आपसे बातें करना चाहती थी, आपकी बातें सुनना चाहती थी। ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। तो जब हम घर में होते हैं उस वक्त क्या करते? क्या करते हैं? तब भी आप बिजी होते हैं, आपका फोन बजता रहता है, आपकी मीटिंग होती रहती है, फिर आपके दोस्त आ जाते हैं। मेरे लिए वक्त कहाँ होता है आपके पास? फलक, इन बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी गाड़ी में चलकर बैठो और हफ्सा हमारे साथ जा रही है। लेट हो रहे हैं, आ जाओ। हफ्सा क्या कर रही है? यार वो फलक और कबीर डिनर पे गए हैं तो उनके साथ गई है। क्या? और आपने जाने दिया उसे? हे भाई, तो मुझे क्या पता था उनके साथ जा रही है वो। मुझे तो नसरीन ने बताया। और तुम जानती तो कबीर को, जान छिड़कता है हफ्सा पे। उसने जिद की होगी, ले गया होगा साथ। उन दोनों ने साथ में कुछ पर्सनल टाइम गुजारना होगा, बातें करनी होंगी। पहले की बात औरतिया को ख्याल रखना चाहिए था, अब तंग करेगी वो उन दोनों को। हां, टू बी ऑनेस्ट, मेरे ज़हन में नहीं आया ना, और मैंने तुम्हें बताया कि मुझे नहीं पता था, मुझे भी पता चला। हद करते हैं, मुझे हैरानी होती है आपके ज़हन में नहीं आया किसी को। यार व्हाट समथिंग, अगर चलेगी साथ तो चलेगी, तो चलेगी, क्या हो सकता है? तो कीर क्या ला, मुझे ना वाकई इस बंदे की समझ नहीं आती। देखिए, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं फलक की शादी से अभी फारिग हुई हूँ। इतनी जल्दी नवाल की शादी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे वक्त दरकार होगा। चल ठीक है, एक बात हमने आपके मान ली है, एक बात आप हमारी मान लीजिए। ठीक, मैं चाहती हूँ कि मांगने के बजाय निकाह कर देते हैं।